हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं जनवरी के दूसरे हफ्ते के यानी 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। टोटल क्वेश्चन का नंबर है 170 क्वेश्चन है इस हफ्ते में, यानी क्वेश्चन का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो www.facebook.com/gauravgargeducation, यहाँ इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा। और पेन ड्राइव को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हर हफ्ते हम 2 नए वीडियो पेन ड्राइव के अंदर प्रोवाइड करेंगे। लगभग 150 वीडियो आपको पेन ड्राइव के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल करवाए जाएंगे। अब इनका नंबर बढ़ा के अपडेटेड पेन ड्राइव में लगभग 180 है, तो ये पेन ड्राइव आप अवेल कर सकते हैं इन सब कोर्सेज के लिए। रेलवे, SSC, CGL, CLAT 2017, होटल मैनेजमेंट, BBA, IBPS PO, क्लर्क, SBI PO, क्लर्क, इसके अलावा CTET, KVS के लिए भी ये उपलब्ध है। अगर आप कोई भी पेन ड्राइव कोर्स हमारा खरीदना चाहते हैं तो 9580048004 पर आपको कॉल करना है। तो चलिए शुरू करता हूँ। एक इससे पहले वीडियो शुरू करूँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने एक नई चीज़ की है। जैसा मैंने बताया 170 क्वेश्चन है, तो शुरू के 70 स्लाइड में मैंने इस तरह के डायग्राम भी डाले हैं, छोटे छोटे डायग्राम। मुझे किसी स्टूडेंट ने ईमेल किया था कि अगर मैं इस तरह के डायग्राम डालूं तो याद रखने में ना सिर्फ सुनकर बल्कि देखकर भी हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं मैं ये कंटिन्यू करूं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आने वाले फिर हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में फिर मैं डायग्राम जरूर डाला करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ 70 क्वेश्चंस में मैंने ये लगभग डायग्राम डाले हैं। तो पहला सवाल ये है कि इनमें से कौन से कंट्री के साथ भारत ने 6 एग्रीमेंट साइन किए हैं डिफेंस कोऑपरेशन के लिए। ये द्विपक्षीय ये एग्रीमेंट है, बायलेटरल एग्रीमेंट है, और आपसी सहयोग के लिए रक्षा में, देश की सुरक्षा में ये एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। और ये देश है पुर्तगाल। एक बात और याद रखनी है, अभी अभी आप जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, तो प्रवासी भारतीय दिवस में जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 26 जनवरी के दिन हमारा जो चीफ गेस्ट है वो कौन होगा। तो 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट होंगे क्राउन प्रिंस ऑफ आबू धाबी के युवराज मोहम्मद अल नैयान बिन, उनका काफ़ी बड़ा नाम है, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन कवर किया था। लेकिन एंटोनियो कोस्टा रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट नहीं होंगे, ये थे प्रवासी भारतीय दिवस 2017। और नरेंद्र मोदी ने इनके साथ मिले और 6 एग्रीमेंट साइन किए हैं डिफेंस में। पुर्तगाल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और आ सकते हैं। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, और पुर्तगाल के एक बहुत फेमस फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो जिन्हें इस साल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, जिसे बोलते हैं बेलॉन डोर। इनमें से किस व्यक्ति को पुर्तगाल में आधुनिक लोकतंत्र का जनक यानी फादर ऑफ पोर्चुगल्स मॉडर्न डे डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र, लोकशाही, लोकसत्ता यानी लोगों की सरकार। तो पुर्तगाल में आधुनिक लोकतंत्र का जनक कहा जाता है मारियो सुआरेस को। और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, यह तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मारियो सुआरेस का अभी अभी निधन हो गया, तो जिस व्यक्ति का निधन हो जाता है तो वो न्यूज में आ जाता है। मारियो सुआरेस इज दी आंसर। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के हिसाब से भारत का GDP कितना ग्रो करेगा, यानी कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक जो फाइनेंशियल ईयर 2017 है, यानी 2016-2017, इसमें हमारा GDP सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के हिसाब से ग्रो करेगा सिर्फ 7.1%। हालांकि भारत के हिसाब से सिर्फ है, लेकिन दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। दुनिया में 2-3 ही कंट्री हैं जिनका GDP इतना अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जैसे भारत है या फिर मैक्सिको है। तो हालांकि पिछले साल हमारा GDP ग्रो किया था 7.6%। मैं बात कर रहा हूँ 2015 से लेकर 2016, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक 7.6% ग्रोथ दिखाई थी हमारे GDP ने, लेकिन डीमोनिटाइजेशन, विमुद्रीकरण के कारण अभी सिर्फ 7.1% ग्रो करेगा, ये कहा है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने। इनमें से कौन सी ऐसी प्रथा है जो अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही थी, लेकिन अब 31 जनवरी 2017 से जो नया बजट सत्र यानी कि बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है संसद में, उसमें ये बंद कर दी जाएगी। तो ये प्रथा है रेलवे बजट जो अलग से पेश किया जाता था, वो प्रथा। देखिए, जो रेलवे बजट है वो अलग से पेश इसलिए किया जाता था क्योंकि जब ब्रिटिश हम पे राज करते थे, अंग्रेजों का राज था, तब रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता था इसीलिए। लेकिन आजकल रेलवे इज जस्ट लाइक एनी अदर डिपार्टमेंट, इसीलिए रेलवे का बजट इस बार अलग नहीं होगा, यानी अरुण जेटली ही पेश करेंगे रेलवे का बजट आम बजट के साथ।
और याद रखिए संसद में तीन सत्र होते हैं, अभी तो बजट सत्र है, फिर मॉनसून सत्र होगा और फिर शीत सत्र यानी विंटर सेशन। तो और दो सेशन के बीच में जो टाइम गैप है वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च करी है सुविधा प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है, इससे आप पेमेंट भी कर सकते हैं सुविधा कार्ड से और पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं इंटरनेट ऑनलाइन। तो वही कैशलेस बनाने के लिए ये किया गया, आजकल सारे बैंक कुछ ना कुछ लॉन्च कर ही रहे हैं। तो ये लोगो है इस बैंक का जिसने लॉन्च किया है, ये बैंक है यूसीओ बैंक और यूसीओ बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ये बैंक 1943 में बना था और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद सिर्फ भारत में एक ही बैंक है जिसका हेडक्वार्टर किसी भी उत्तर या उत्तर पूर्वी राज्य में है यानी ईस्टर्न इंडिया के अंदर है, और वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर भी है कोलकाता में और बंधन बैंक किसका है, चंद्रशेखर घोष का। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, वो पौधा भी हो सकता है जंतु भी हो सकता है, जिसका नाम एंडेंजर्ड स्पीशी। एंडेंजर्ड स्पीशी होती हैं जो संकट में है, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशी, जो खतरे में है, जिनका नंबर बहुत कम हो गया है। और ये डिसाइड करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो एंडेंजर्ड स्पीशी इनमें से कौन सा है जिसको एंडेंजर्ड स्पीशी की लिस्ट से रिमूव नहीं किया गया है। देखिए ध्यान से सुनिए सवाल को, कुछ पौधे होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, अगर उनका नंबर कम होने लगता है तो हम उन्हें एंडेंजर्ड यानी कि ये लुप्त होने के कगार पर हैं ये घोषित कर देते हैं, लेकिन उनके कंजर्वेशन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए फिर हम प्रयत्न भी करते हैं जिससे वो लुप्त ना हो जाए। तो इनमें से तीन ऐसे हैं, चार में से, जिनका नाम एंडेंजर्ड स्पीशी से हटा लिया है यानी अब इनका नंबर फिर से बढ़ गया है। इनमें से कौन सा नहीं है वो जिसका नाम लिस्ट से हटाया गया, यानी कौन सा अभी भी एंडेंजर्ड रहेगा ऐसा कहा जा सकता है। तो लॉन्ग नोज बैट यानी लंबी नाक वाला चमगादड़, जिप्सम विल्ड बकवीट, और ये है जिप्सम विल्ड बकवीट, और क्वेंजलर हेजहॉग कैक्टस, ये एक तरह का कैक्टस पौधा है। इन तीनों का नाम हटा लिया गया है US वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजेंसी द्वारा, लेकिन कटलैंड्स वॉबलर का नाम नहीं हटाया गया। तो आंसर है डी। इनमें से शरीर का कौन सा भाग होता है जहां पर वैज्ञानिकों ने ये डिस्कवर किया है कि वहां पे ईबोला वायरस प्रजनन कर सकता है यानी वो रेप्लीकेट हो सकता है, कौन सा भाग? ईबोला वायरस जो है इसने बहुत तबाही मचाई दक्षिण अमेरिका में, और हमारी बॉडी में एक ऐसा पार्ट है जहां पे ये रेप्लीकेट हो सकता है, इसका नंबर बढ़ सकता है, और ये है हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स इज द आंसर। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है, ये मटेरियल दुनिया के सबसे स्ट्रांग मटेरियल में से आता है पहली बात, और सबसे लाइट वेट है यानी इसका वजन दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे कम में से एक है। अब आपको ये बताना है कि इस मटेरियल का 3D वर्जन बना दिया है MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बॉस्टन के अंदर है, वहां के वैज्ञानिकों ने। तो कौन सा मटेरियल है, किस मटेरियल की बात कर रहा हूं? इस मटेरियल को बोलते हैं ग्राफीन, ग्राफीन, और ये बहुत ही हल्का है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, स्टील जो होता है इस्पात, तो स्टील का 5% वेट है इसका सिर्फ, लेकिन स्टील से 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग है ग्राफीन। तो ग्राफीन का 3D वर्जन बनाया है MIT के वैज्ञानिकों ने। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ नासा तो आप जानते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जिसका हेडक्वार्टर Washington DC में है जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। तो नासा में चंद्र एक्स रे ऑब्जर्वेटरी है, इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके, और ये ऑर्गेनाइजेशन है भारत की। तो भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर नासा ने एक कॉस्मिक डबल वैमी बनाया है, मैं रिपीट करता हूं, कॉस्मिक डबल वैमी। सो इसका नाम है NCRA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। पश्चिम बंगाल के वो पूर्व मिनिस्टर कौन है, ये 6 बार MLA रह चुके थे और इनकी जो MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो थी सरवात। सो आपको बताना है, इनका भी अभी निधन हो गया, ये पश्चिम बंगाल में मिनिस्टर रह चुके थे, इनका नाम क्या है, इनका फोटो मैंने यहाँ लगा रखा है, इनका नाम है सरल देव। और जैसा मैंने बताया ये क्वेश्चन ओबिचोरी से है, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा जो हॉट एडिशन है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं ओबिचोरी से, क्योंकि कम से कम हर हफ्ते 15 से 20 क्वेश्चन ओबिचोरी के होते हैं। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनमें से किस व्यक्ति को अपना इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में कम से कम 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने तीनों का फोटो लगाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के हैं पहले तो ये समझ लीजिए,
डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का नाम पूछ सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी क्योंकि अभी बहुत न्यूज़ में आ रही है, इवांका ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी का नाम है मेलानिया ट्रंप। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो पत्नी है वो अब फर्स्ट लेडी बन जाएंगी, 21 तारीख को ये राष्ट्रपति बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, 21 जनवरी को। तो मेलानिया ट्रंप है इनकी पत्नी, इवांका ट्रंप है इनकी बेटी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किस व्यक्ति को अपना इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनाया है, इनका नाम है डैन कोट्स, और ये है डैन कोट्स। इसके अलावा दो नाम और याद रखिए, ये जो सज्जन है इनका नाम है जेम्स मैटिस, और ये है डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस, बहुत ही उग्र व्यक्ति हैं, डिफेंस सेक्रेटरी बनाया है। और ये है रेक्स टिलरसन, इनका नाम यहाँ लिखा नहीं है मैंने ऑप्शन में, रेक्स टिलरसन बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी कौन है, जॉन कैरी। तो जॉन कैरी को कौन रिप्लेस करेगा, रेक्स टिलरसन। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसने पहली हेल्पलाइन लॉन्च करी है, 24/7 हेल्पलाइन जंगलों के लिए। भारत में अगर क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा जंगल कहां पे है, आंसर है मध्य प्रदेश। समझ लीजिए भारत में सबसे ज्यादा जंगल कहां पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। लेकिन हेल्पलाइन किसने लॉन्च करी है, महाराष्ट्र ने। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान यहां के मुख्यमंत्री हैं, और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार है, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। इनमें से कौन सी स्कीम है जो विदेश यानी अप्रवासी जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय, उनके लिए लॉन्च करी गई है, अगर वो जॉब चाहते हैं, यानी बेसिकली जो इंडियन जॉब चाहते हैं बाहर, उनके लिए लॉन्च की गई है, तो इस स्कीम का नाम क्या रखा गया है ये आपको बताना है। तीन चार स्कीम है वैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है उदय, एक है उड़ान जो आजकल एग्जाम में आ रही है, अमृत है और एक अमृत है, तो ये सारी स्कीम आपको याद रखनी है। उदय स्कीम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनके लिए स्टार्ट की थी, और जो उड़ान स्कीम है ये उड़े देश का आम नागरिक एविएशन सेक्टर की थी। अमृत स्कीम ये मेडिकल स्टोर होते हैं, कम दामों में दवाइयां बेचते हैं, और अमृत स्कीम है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहरों के नवीनीकरण के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई। तो इंडियन यूथ के लिए जो बाहर जॉब चाहते हैं इनके लिए जो स्कीम स्टार्ट की गई है उसका नाम है प्रवासी कौशल विकास योजना, प्रवासी कौशल विकास योजना। अगला सवाल, इनमें से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इनमें से कौन से दो राज्य हैं जिनमें जो कॉक फाइटिंग होता है जब मुर्गों को आपस में लड़वाया जाता है, ये खेल होता है, लेकिन इससे जो मुर्गे हैं उनकी सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है, और जानवरों के प्रति हमें बहुत ज़्यादा उदार रहना चाहिए। अभी एक और खेल है जिस पर बैन लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जलीकट्टू। तो जलीकट्टू तमिलनाडु का खेल है, ये याद रखिए। वैसे कुछ और भी जगह है जलीकट्टू खेला जाता है, जैसे कुछ एरिया हैं पुडुचेरी के, वहाँ भी जलीकट्टू खेला जाता है। तो जानवरों से रिलेटेड जो भी खेल हैं उनको बंद किया जा रहा है, और कॉक फाइटिंग मुर्गों की लड़ाई पे जो बैन लगाया है वो लगाया है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो आंसर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते ही हैं अमरावती है, और तेलंगाना की हैदराबाद है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंद्रशेखर राव, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS पार्टी के, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी के। इनमें से रीसेंट गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से जो बैंक हैं उन्हें क्या चीज़ सबमिट करनी है 28 फरवरी से पहले पहले, जिससे काले धन पे बैन लगाया जा सके, काले धन पे अंकुश लगाया जा सके। तो रीसेंट गवर्नमेंट के ऑर्डर आए हैं, इनके हिसाब से जितने भी बैंक हैं उनको या तो पैन कार्ड सबमिट करने हैं या फॉर्म 60, इनमें से कोई भी एक चीज़ सबमिट करनी है, 28 फरवरी की डेडलाइन है। और ये जितने भी खाते हैं, और ये सिर्फ बैंक को ही नहीं पोस्ट ऑफिस को भी सबमिट करने हैं, या तो पैन कार्ड या फॉर्म 60। अगला सवाल, मुंबई में एक लंबी दौड़ होगी, मुंबई मैराथन, ये 14वीं ऐसी दौड़ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन। तो इसमें जो इंटरनेशनल हमारे इवेंट एम्बेसडर कौन है, इस इवेंट के एम्बेसडर कौन है, इनका नाम है डेविड रुदीशा। और डेविड रुदीशा कौन है, डेविड रुदीशा 800 मीटर के अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और डेविड रुदीशा केन्या के हैं, ये भी याद रखिए। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया में अब आएंगे इवेंट को प्रमोट करने। इनमें से कौन सा रूल है जो 1 अप्रैल 2017 से एप्लीकेबल होगा, CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हिसाब से, यानी कर विभाग के हिसाब से कौन सा रूल अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2017 से? तो ये रूल है जनरल एंटी अव॑ॉयडेंस रूल, यानी GAAR, जनरल एंटी अवॉयडेंस रूल। एक बात और, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा। तो आंसर ए और बी होना चाहिए इसका, दोनों ही ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट तो हुई है GAAR के रिलेटेड। इनमें से
उस हैवी आर्टिलरी गन यानी वो कारतूस वाली गन, हैवी आर्टिलरी गन का क्या नाम है जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी अभी अभी और इसके ट्रायल हुए इंडिजिनस एडवांस टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS पर, तो इस गन का नाम है धनुष। धनुष है ये गन, हैवी आर्टिलरी गन, और ये हमारी खुद की बनाई हुई है, किसी विदेशी ने नहीं बनाई, हमने कहीं से खरीदी नहीं, हमारी खुद की बनाई हुई है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने ये बनाई है। इनमें से कौन सा हमारा KYC डॉक्यूमेंट है? KYC डॉक्यूमेंट होता है नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी आप सबमिट करते हैं, आपके पहचान पत्र जिसे कह सकते हो। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट कौन सा है जो मनरेगा में जो काम करते हैं वर्कर उनको सबमिट करना पड़ेगा, मैंडेटरी अनिवार्य कर दिया गया है, वरना मनरेगा में काम नहीं मिलेगा। तो ये डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। अब जो मनरेगा में एनरोल्ड है उन्हें आधार कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, और डेडलाइन है 31 मार्च, 31 मार्च से पहले सबमिट करना पड़ेगा। 74वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड हुए अभी, और कहाँ पर हुए सवाल ये है, तो बल्कि सवाल ये आसान कर दिया मैंने पूछ के कि कहाँ पर हुए, बहुत आसान है, अमेरिका में ही हुए, कैलिफोर्निया में हुए। कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे अमीर जगह है, कैलिफोर्निया। और एक बात याद रखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कौन सी फिल्म ने धमाका मचाया, बहुत ज़्यादा अवार्ड जीते, तो इस पिक्चर का नाम है ला ला लैंड। ला ला लैंड पिक्चर है, इसने 7 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी और 7 कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब जीत लिए। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में भी इसे अवार्ड मिला है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? आजीवन अपने सिनेमा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है सेसिल डेमिल को। थोड़ा सा कठिन नाम याद रखना, मैं लिख देता हूं, सेसिल डेमिल, इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अहमदाबाद में, अहमदाबाद का पुराना नाम है कर्णावती, गुजरात में अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट है वहां पे अंतर्राष्ट्रीय पतंगों का त्यौहार मनाया गया। तो आपको बताना है ये जो त्यौहार इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है, इसका इनॉग्रेशन, इसका विमोचन या इसका जो इनॉग्रेशन है वो किसने किया, उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया गुजरात के मुख्यमंत्री ने, इनका नाम है विजय रूपानी, भारतीय जनता पार्टी के हैं विजय रूपानी, इनसे पहले थी आनंदीबेन पटेल। 20वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस के लिए 20वां राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित किया गया? 20वां ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में कहां? विशाखापट्टनम, जो कि एक कोस्टल टाउन है, तट के पास है, तट के ऊपर है, बंदरगाह भी है ये एक, और इसको आयोजित किया DT ने। DT बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते हैं DT। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई विशाखापट्टनम में, इस बार इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ई गवर्नेंस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आने वाले टाइम में सबसे बड़ी चीज होगी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ई गवर्नेंस। एक जिंजर, तो जिंजर की एक नई प्रजाति, जिंजर स्पीशी एक नई डिस्कवर करी है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं, तो ये कहाँ पर डिस्कवर की गई है? ये डिस्कवर की है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जिंजर, जिसको हम जिंजी बैर भी बोलते हैं, जिंजी बैर, चूँकि ये वीडियो हिंदी में है तो जिंजर को अदरक भी बोलते हैं, अदरक। इनमें से भारतीय मूल के वो अमेरिकी इंजीनियर कौन है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है इस बार टेक्निकल अचीवमेंट के लिए, यानी अपनी तकनीकी फिल्मों के अंदर तकनीकी सुविधा बढ़ाने के लिए, तकनीकी एक्सेलेंस के लिए इन्हें मिला है ऑस्कर अवार्ड, और ये IIT खड़गपुर के इंजीनियर हैं। इनका नाम है पराग हवलदार। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने कार्टून एनिमेशन किया है, जैसे एलाइस इन वंडरलैंड, हैनकॉक, स्पाइडरमैन, और फाइनली इन्हें मिला है ऑस्कर अवार्ड। पूर्व ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट वो कौन है जिनका अभी अभी निधन हो गया, इनका बहुत बड़ा हाथ था इन द फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। तो ईरान के जो पायोनियर्स थे उनमें से ये एक थे, और इनका अभी अभी निधन हो गया। इनका नाम है अली अकबर हाशमी रफसंजनी।
अली अकबर हाशमी रफ संजनी, ये 82 ईयर के थे और ये चौथे राष्ट्रपति थे ईरान के, फोर्थ, ये भी याद रखना है, 1989 से 1997। चेन्नई ओपन का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन, बात हो रही है यहाँ पे टेनिस की, बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है टेनिस का, इस बार ये जीता रशिया के डेनिल मेडवेडेव को हराकर रॉबर्ट बटिस्टा ने, रॉबर्ट बटिस्टा ने जीता है और हराया है डेनी मेडवेडेव को, 6-3, 6-4 से हराया है। तो डेनी मेडवेडेव हैं रशिया के और रॉबर्ट बटिस्टा हैं स्पेन के। इनमें से कौन से शहर के मेयर हैं जिन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी साइकिलिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2017 को ईयर ऑफ द बाइक घोषित किया है, यानी कि वो ये कहते हैं कि जो 2017 साल है वो साइकिल चलाने वालों का साल होगा, यानी जो साइकिल से संबंधी आधारिक संरचना है, भूमि का रूप व्यवस्था है, वो हमें मजबूत करनी पड़ेगी, इसलिए इसे ईयर ऑफ द बाइक कहा है। और ये कहा है पेरिस के मेयर ने, और इन मेयर का नाम है एना हिडाल्गो, एन हिडाल्गो। इनमें से कौन सा देश है जिसने एक एनवायरमेंट पुलिस फोर्स बनाई है? एनवायरमेंटल पुलिस फोर्स, ये वातावरण की रक्षा करने के लिए बनाई गई है, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए बनाई है, और ये देश बहुत ज़्यादा खासकर एयर पोल्यूशन से ग्रसित है, और ये देश है चाइना, चाइना ने बनाई है एनवायरमेंट पुलिस फोर्स। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सुखोई T-50 फाइटर जेट ये लॉन्च कर रहा है जिससे अपने आप को मजबूत बना सके? तो सुखोई, जब भी वर्ड सुनो समझ जाना बात हो रही है रशिया की, अत्याधुनिक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रशियन प्लेन है, और 5 सुखोई T-50 फाइटर जेट इन्होंने अपनी सेना के अंदर शुमार किए हैं। इनमें से कौन सा लेगिस्लेशन है जो केंटकी, बात हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, केंटकी में यहाँ पर कौन सा कानून पास हुआ है, और अमेरिका में ये 27वां स्टेट है जिसने ये कानून पास किया है? तो ये कानून है राइट टू वर्क, यानी कार्य करने का अधिकार। इनमें से कौन सा भारत का स्टेट है, राज्य है, जिसने 200 करोड़ रुपए की लागत से एक स्टूडेंट स्टार्टअप फंड लॉन्च करा है? मैं रिपीट करता हूँ, स्टूडेंट स्टार्टअप फंड। स्टूडेंट स्टार्टअप फंड का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं अगर वो कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है, और ये किया है गुजरात ने, गुजरात। इनमें से कौन से भारतीय एक्टर हैं जिन्हें सम्मान मिला अभी अभी अमरीकी एम्बेसी द्वारा, क्योंकि इन्होंने अमरीका और इंडिया के बीच जो पार्टनरशिप थी, आपसी सहयोग था ट्यूबरकुलोसिस रोग मिटाने के लिए, उसमें अपना योगदान दिया, तो इसके लिए जिस एक्टर को अवार्ड मिला, और ये खुद 2000 के अंदर खुद ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित थे, फेफड़ों का रोग होता है ट्यूबरकुलोसिस, सांस का रोग होता है, ये एक्टर हैं अमिताभ बच्चन जी, इन्हें अवार्ड दिया US एम्बेसी द्वारा। इनमें से ऑटोमन एम्पायर का वो आखिरी राजा, आखिरी सत्ताधारी उत्तराधिकारी कौन था जिसका अभी अभी निधन हो गया? ऑटोमन एम्पायर, बात हो रही है ईस्टर्न एशिया की। सो लास्ट हियर कौन था, इनका नाम है बायेजिड ओस्मान, युवराज बायेजिड ओस्मान, ऑटोमन एम्पायर के आखिरी उत्तराधिकारी लास्ट हियर थे। व्हाट इज द ओनली सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द वेटिकन सिटी? वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, नाम सिटी है लेकिन वैसे ये देश है, तो वेटिकन सिटी जो है इसका इनकम का क्या सोर्स है, ये अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है? हालांकि इसको कुछ मुआवजा भी मिलता है, रोमन कैथोलिक्स को जो कंट्रीब्यूशन आता है, डोनेशन आते हैं, लेकिन इसकी इनकम का सोर्स क्या है? और इनकी इनकम का सोर्स है सेल ऑफ पब्लिकेशन एंड स्टैम्प, यानी कि ये पब्लिकेशन बेचते हैं और स्टैम्प, डाक टिकटें वगैरह बेचते हैं। और वेटिकन सिटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, अगर कोई आपसे पूछे, इस देश की आबादी है सिर्फ 842, सिर्फ 842 लोग रहते हैं इस देश में, और 110 एकड़ में ये सिर्फ देश है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, और अभी अभी ये न्यूज़ में आया था इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इनमें से चेन्नई ओपन का डबल का खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन का सिंगल का खिताब तो जीता था डेविड बटिस्टा ने, लेकिन डबल का किसने जीता है? दोनों भारतीय खिलाड़ियों का जोड़ी है ये, रोहन बोपन्ना और जीवन नैदुनचजिया, दोनों ने मिलकर जीता है चेन्नई ओपन। इनमें से NDRF का नया कैंपस बन रहा है। NDRF क्या है? जो हमें जब कोई
प्राकृतिक आपदा आती है तो बचाती है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, इसका नया कैंपस बन रहा है कोंडा पवू लुरू गांव में, जो है कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एनडीआरएफ का नया कैंपस कहाँ पे बन रहा है, तो आपको ये बताना है इसकी आधारशिला किसने रखी, जो कैंपस बन रहा है इसकी नींव किसने रखी, आधारशिला किसने रखी, ये आधारशिला रखी हमारे गृह मंत्री ने राजनाथ सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम हमारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर बना रहा है, कहाँ पर यह प्रोग्राम बना रहा है, स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट, यानी जो अब जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो गलियों में लाइटें लगी होती हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा, और क्योंकि इनसे 22,000 टन ग्रीन हाउस गैस वातावरण में जाती है तो पॉल्यूशन होता है, और इससे सेविंग भी बहुत होगी, लगभग 2.5 करोड़ किलोवाट की इससे बचत हो सकती है बिजली की, इसलिए इनको रिप्लेस करके दूसरी टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, और ये प्रोग्राम एसडीएमसी कर रहा है दिल्ली के अंदर। इनमें से कौन सी कंपनी के साथ मिलके हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वो स्ट्रीट बेस्ड लाइटिंग प्रोग्राम, जैसा मैंने बताया स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, LED बेस्ड लाइटिंग, लाइट एमिटिंग डायोड, जिससे बिजली की खपत कम होती है, तो ये मिलके कर रहा है वो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलके, यानी EESL के साथ मिलके। इसरो ने इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके एक एग्रीमेंट किया है, करार किया है सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी से संबंधित, ये करार है सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी के लिए इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन है CNES, और CNES कौन से देश की स्पेस एजेंसी है, फ्रांस, यानी भारत की इसरो और फ्रांस की CNES दोनों मिलके अब स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेंगी। इनमें से कौन सा देश है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया अपना पहला सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल, सबमरीन होती है पंडुपी जो पानी के नीचे रह के वार करती है, तो सबमरीन से ये क्रूज मिसाइल छोड़ी जा सकेगी, इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग किया है ये किया है अभी अभी पाकिस्तान ने ये किया है, और इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पूछ सकते हैं, इसका नाम है बाबर तृतीय। इनमें से कौन सा देश है जिसने अभी अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है अपना पहला कमर्शियल स्पेस मिशन और रॉकेट, जिस रॉकेट की मदद ली वो रॉकेट है क्वाई जाऊ वन ए रॉकेट की मदद से अपना पहला व्यावसायिक कमर्शियल स्पेस मिशन लॉन्च किया है चाइना ने, सो आंसर है चाइना, और इसमें 3 सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च करी हैं, इनका नाम है JL-1, दूसरी है क्यूब सेट्स XYS-1 और तीसरी है Caton-1, तो नाम याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रख लीजिए चाइना जिस रॉकेट को यूज़ करता है वो है लॉन्ग मार्च, और अभी जो रॉकेट है इसका नाम है क्वाई जाऊ, दोनों हैं चाइना के रॉकेट। इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जो 21वां राज्य बना उदय स्कीम को अपनाने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उदय स्कीम को अपनाने वाला जो 21वां राज्य है वो बना तमिलनाडु, जहाँ पे जयललिता जी का निधन हो गया था, और ओ पनीर सेल्वम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और नई जो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया पार्टी की वो बनाया गया है शशिकला को। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने सबसे बड़ा वाईफाई सर्विस लॉन्च किया है, इंडिया का लार्जेस्ट वाईफाई सर्विस, और ये इसमें 500 वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे जिनका नंबर बढ़ा के बाद में 1200 कर दिया जाएगा 1 मई 2017 तक, ये सरकार की तरफ से फ्री वाईफाई है और ये प्रोवाइड किया गया है मुंबई में, सो आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने पहली बार 900 का आंकड़ा छुआ पिछले 20 साल में जो लिंग अनुपात है उसके अंदर, यानी सेक्स रेशो के अंदर, यानी कि हर 1000 मर्दों पर, मेल्स पर 900 महिलाएं, पहली बार ये आंकड़ा क्रॉस हुआ है, तो ये राज्य है हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर रंग लाती नजर आई। इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने ये रोबोट लॉन्च कराया, इसकी तस्वीर यहाँ पे है, और इस रोबोट का नाम है IRA, यानी इंटेलिजेंट रोबोट असिस्टेंट, तो ये रोबोट है, ये ह्यूमन साइज का एक रोबोट है, और ये लॉन्च किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है असीमोव रोबोटिक्स, किस बैंक के लिए लॉन्च किया है, HDFC बैंक, और HDFC बैंक के मालिक कौन है, आदित्य पुरी। वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने एक क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी है
जिससे अगर कोई रिस्क है नॉन पेमेंट फॉर द गुड्स और सर्विसेज डिलीवर्ड टू द बायर, वो प्रोटेक्ट किया जा सके। कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें नॉन पेमेंट का रिस्क है, यानी बिजनेस में अक्सर ऐसा होता है जब पेमेंट फंस जाती है, पेमेंट का भुगतान नहीं होता, उसके रिस्क को कम करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करी है। तो ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च की है? ये लॉन्च करी 9 जनवरी को HDFC एर्गो ने, HDFC एर्गो। और एक बात और याद रखिए, भारत दुनिया में तीसरा लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। मैं रिपीट करता हूँ, नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर प्राइवेट सेक्टर में भारत तीसरे नंबर पे दुनिया में सबसे बड़ा है। इनमें से नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया एग्जीबिशन, ये हुई गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया, किसने इनॉग्रेशन किया नोबेल प्राइज सीरीज इंडिया एग्जीबिशन इन गांधीनगर? ये लॉन्च किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गांधीनगर गुजरात में। इसमें जो नोबेल प्राइज जीत चुके लोग हैं वो आए थे, और बहुत सारे इनमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हुए अगले 5 साल के लिए। तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ था वो ये था कि जो नोबेल प्राइज विनर है वो अपनी जो नॉलेज है वो इंडिया के साथ शेयर करें। और बहुत बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर इसके अंदर आए थे, जैसे मेडिसिन के रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, एटसेट्रा। वर्ल्ड हिंदी डे हम कब मनाते हैं, तो ये बहुत बच्चे गलत करके आते हैं एग्जाम में। हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे में जमीन आसमान का फर्क है। अगर पूछें हिंदी दिवस, यानी भारत में सिर्फ हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि इस दिन हमने हिंदी को अडॉप्ट किया था संविधान के अंदर। लेकिन अगर पूछें वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो आंसर है 10 जनवरी। तो हिंदी दिवस और वर्ल्ड हिंदी डे में फर्क है। दुनिया का बेस्ट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर की बात हो रही है, दुनिया का बेस्ट फुटबॉल प्लेयर इस साल के लिए 2016, ये अवार्ड किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ये रहे नंबर 1 पे, मेसी रहे 2 पे, और तीसरे पे रहे एंटोइन ग्रिजमैन। और ये अवार्ड दिया था फीफा ने, इसको बोलते हैं फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। इनमें से 10 जनवरी को कौन से देश ने अनाउंस किया कि ये बॉर्डर डिमार्केशन फेंसिंग बनाएगा भारत के साथ? बॉर्डर डिमार्केशन फेंसिंग क्या होती है? मान लीजिए ये भारत है, तो ये देश भारत के साथ जो इसकी रेखा है उस रेखा को अलग करेगा, ये रेखा दिखनी चाहिए, इसको बोलते हैं डीमार्केशन। तो बॉर्डर डीमार्केशन फेंसिंग, फेंस लगाएगा यहां पे, ये अनाउंस किया म्यांमार ने। सो आंसर है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है ने पी टाओ। इनमें से चौथा देश कौन सा है जो जिसकी एक अमेरिका के साथ हॉटलाइन है? ये 3 देश है भारत से पहले जिनकी हॉटलाइन अमेरिका के साथ, रशिया, ब्रिटेन और चाइना, और भारत है चौथा देश। तो आंसर है इंडिया। और ये क्वेश्चन इसलिए न्यूज़ में आ रहा है क्योंकि ओबामा जो हैं वो अब जा रहे हैं और ट्रंप आ रहे हैं, तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने इनके समय में भी ये जो लाइन है ये रहेगी जो भारत और अमेरिका के बीच है, ओबामा ने ऐसा कहा। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को ड्रॉट हिट घोषित किया है? क्योंकि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसमें 19% और नॉर्थ ईस्ट मानसून में 61% की कमी आई है, तो ये जो अकाल है ये कहाँ पर आया है? ड्रॉट हिट अपने आप को घोषित किया तमिलनाडु में। और आपके लिए बड़ा ही आसान था ये सवाल, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून में 61% की कमी आई है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून सबसे ज़्यादा किसको ड्रेन करता है? तमिलनाडु को। और साउथ वेस्ट मानसून कहाँ पर आता है? भारत के पश्चिमी तट पर, लेकिन तमिलनाडु है भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर। इनमें से कौन से शहर ने एक पब्लिक टॉयलेट्स को खोजने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी कि अगर आप टॉयलेट जाना चाहते हैं तो इस मोबाइल ऐप से आप नज़दीकी टॉयलेट को खोज सकते हैं। तो ये लॉन्च किया है मुंबई ने, और इस मोबाइल ऐप का नाम रखा है मुंबई टॉयलेट लोकेटर MTL, जिसको लॉन्च किया है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC ने। इसमें 800 टॉयलेट हैं जो शहर में, जिनको इंडेक्स किया गया है। CRPF की तरफ से पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है जिन्हें बस्तर के अंदर डिप्लॉय किया गया है? बस्तर एक नक्सल अफेक्टेड एरिया है जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। यहां पर CRPF की तरफ से, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से पहली वुमेन ऑफिसर नियुक्त किया गया है उषा किरण को। फ्लिपकार्ट कंपनी ने अपना नया ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया है? ये पहले कंपनी के थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, लेकिन अब बन गए हैं ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका नाम है बिन्नी बंसल। बिन्नी बंसल सचिन बंसल के भाई हैं, ये हैं सचिन बंसल, इनके भाई हैं बिन्नी बंसल। और एक बात और याद रखिए, फ्लिपकार्ट कंपनी ने जो अपना
सीईओ बनाया है बिन्नी बंसल के स्थान पे, वो बनाया है कल्याण कृष्ण मूर्ति को, कल्याण कृष्ण मूर्ति। इनमें से कौन सी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पहली कंपनी बनी जिसे एक साल के अंदर 8000 से ज्यादा पेटेंट मिले हैं? 2016 में इस कंपनी को 8000 पेटेंट मिले। ये कंपनी है IBM, जो दुनिया की नंबर एक IT कंपनी है, सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी है। और नंबर दो पे जो कंपनी रही वो रही सैमसंग, नंबर तीन पे रही कैनन। सैमसंग को मिले लगभग 5500 से ज्यादा पेटेंट, कैनन रही तीसरे नंबर पर और गूगल रही पांचवें नंबर पर। इनमें से कौन सी कंपनी को याहू ने अपना इंटरनेट बिजनेस बेच दिया है? यह बहुत बड़ी डील हुई है, यह आपको याद रखना है। इस कंपनी का नाम है वेरिजोन। वेरिजोन ने वैसे भी पूरे याहू को खरीद लिया था, याहू ग्रुप को खरीद लिया था, और याहू ने अब अपना जो इंटरनेट कोर इंटरनेट बिजनेस है वो बेच दिया है वेरिजोन कंपनी को। और अगला सवाल भी इससे मिलता जुलता है कि जो याहू का जो नाम है वो क्या हो जाएगा। याहू ने अपना जो बिजनेस है इंटरनेट का वो बेच दिया है $4.8 बिलियन में, लगभग $5 बिलियन। तो आप इसको कह सकते हैं लगभग 35,000 करोड़ रुपए में बेच दिया है। इस कंपनी का नाम पलट के अब हो जाएगा अल्ताबा। आंसर है सी, अल्ताबा। और अल्ताबा जो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है वो होगा याहू का जो स्टेक है अलीबाबा कंपनी में और याहू जापान, तो दोनों को मिला के कर दिया अल्ताबा। इनमें से कौन सी वैक्सीन है, कौन सी दवाई है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर अपनी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP जो फरवरी 2017 में शुरू होगा उसमें रोल आउट करेगा, उसमें लॉन्च करेगा? ये दवाई मीजल और रूबेला दो डिजीज के लिए काम करेगी, और ये दवाई है मीजल्स और रूबेला। इससे पहले आपने जरूर सुना होगा कि MMR यानी कि मम्स, मीजल और रूबेला, ये तीनों वायरस से फैलती हैं, और ये सारे जो रोग हैं, मीजल एक शरीर का चर्म रोग होता है, इसमें शरीर पर दाने निकल जाते हैं, और मम्स जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग को बोलते हैं, उसमें जो कान के नीचे आपका जो सेलिवरी ग्लैंड है, थूक की ग्रंथि है, वो फूल जाती है। लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से, ये US रिसर्च है, इसके हिसाब से हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन की तरह काम कर सकता है? इम्यून ऑर्गन होता है वो ऑर्गन जो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसको बोलते हैं इम्यून ऑर्गन। तो US रिसर्च हुआ है अभी मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा, उसके हिसाब से साइंटिस्ट ने कहा है कि जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स हमारी बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन समझा जाता है, लेकिन नए रिसर्च से ये पता चला है कि इसमें जो इम्यून टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इनमें से कौन सा निजी सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो तीसरा बैंक बना भारत में जिसने ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को अपनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत में तीसरा बैंक बना है जिसने ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को अपनाया है। एक सवाल और बता देता हूं, ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को अपनाने वाला जो पहला बैंक बना वो था ICICI बैंक, अक्टूबर 2016 में इन्होंने अपनाया था, और ये था पहला बैंक जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया था। दूसरा था येस बैंक, और तीसरा बैंक अभी बना एक्सिस बैंक। 13 बार जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी उस खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने सिर्फ 19 साल की उम्र में संन्यास ले लिया है जिम्नास्टिक से? ये 13 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और रशिया की हैं ये। इनका नाम है याना कुदरयावत्सेवा, याना कुदरयावत्सेवा। वो इंडियन क्रिकेटर कौन से हैं जिन्होंने जो चाइना की मोबाइल कंपनी जियोनी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? चाइना की मोबाइल कंपनी जियोनी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, और विराट कोहली अब वनडे में भी और टेस्ट मैच और T20 तीनों में भारतीय टीम के कप्तान बन गए हैं। और चाइना की और भी कंपनियां हैं जैसे जियाओमी है, लेनोवो है, ये भी सब भारत में काफी सक्रिय हैं। इनमें से कौन सा रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है जो लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशन को मानने वाला, लोढ़ा कमेटी के जो रिफॉर्म्स हैं क्रिकेट को फिक्सिंग मुक्त करने के लिए, उनको अपनाने वाला पहला रीजनल क्रिकेटिंग एसोसिएशन कौन सा बना? इसको बोलते हैं RCA, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। सो आंसर है ए,
लोढ़ा कमेटी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2016 में नियुक्त की थी, कॉन्स्टिट्यूट की थी, और इसके जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से अनुराग ठाकुर को भी हटा दिया गया और जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे अजय शिर्के उन्हें भी हटा दिया गया क्योंकि वो पारदर्शिता नहीं रख रहे थे। इनमें से कौन सा मुस्लिम प्रधान देश है जिसने बुर्का की सेल और उनका मैन्युफैक्चरिंग दोनों बंद कर दिया है सिक्योरिटी कारणों से? सिक्योरिटी के कारणों से किया गया है और यह बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इस देश में 99% जो आबादी है वो मुस्लिम है। यह देश है मोरक्को, अफ्रीका का देश है मोरक्को, अफ्रीका के बिल्कुल पश्चिमी छोर पर आता है मोरक्को जिसकी राजधानी है रबात। इनमें से कौन सा देश है जिसने अपना पहला कमर्शियल मिशन लॉन्च किया है अपने क्वाई जाऊ 1A रॉकेट से? यह किया है चाइना ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना ने किया है क्वाई जाऊ 1A रॉकेट से अपना कमर्शियल मिशन लॉन्च। और एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं इसमें कि ये चाइना ने कौन सी जगह से किया है, तो ये जो इनका जो सेंटर है सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ये है जियाकुआन, ज्यादातर लॉन्च चाइना यहीं से करता है जियाकुआन से। और भारत में भी बहुत जगह है जो आपको याद रखनी है, जैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर है ये है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा एक उड़ीसा में है व्हीलर आइलैंड पे जिसे अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, चांदीपुर उड़ीसा में। इन विच सिटी वॉज द 3-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन रीइंफोर्स प्लास्टिक? हमारी केंद्र सरकार ने अभी अभी एक 3-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करी और इसका मुद्दा था रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ये कहां पर हुई, इसको ये जो कॉन्फ्रेंस है आप इसको ICERP भी बोल सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में, तो आंसर है मुंबई। और जो अगला सवाल है वो भी इससे मिलता जुलता ही है, वो ये कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? इसका इनॉग्रेशन किया था मनोहर पारिकर ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। और एक बात और याद रखनी है, इसका जो थीम था वो था रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप, रेस्पॉन्सिव एंड रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 50 लाख से ज्यादा पेंशनर्स के लिए जो पेंशन की सुविधा अवेल करते हैं उन लोगों के लिए और 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए, टोटल ईपीएफओ के सब्सक्राइबर हैं 4 करोड़ और 50 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, अब इनके लिए कौन सा पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है? यह पहचान पत्र जो अनिवार्य कर दिया है यह है आधार कार्ड, आधार कार्ड। 21वां नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पर होगा? इनफैक्ट ये इसी महीने जनवरी में अभी खत्म हुआ रिसेंटली, 12 से 16 जनवरी 2017, और 7000 पार्टिसिपेंट यहां पर आए थे 12 जनवरी को। ये हुआ था 12 जनवरी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और हम इसे नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाते हैं। 1985 से हमने ये मनाना शुरू किया था नेशनल यूथ डे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया गया रोहतक हरियाणा के अंदर, रोहतक हरियाणा, हरियाणा जहां पर बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और अगला सवाल इससे मिलता जुलता है, 21वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि रोहतक हरियाणा में हुआ, इसका थीम क्या था? इसका थीम था यूथ फॉर डिजिटल इंडिया, यानी डिजिटल इंडिया को एम्ब्रेस करेगा यूथ। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है tokapoisa.in, tokapoisa.in इस सरकार का खुद का इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल वॉलेट है, डिजिटल वॉलेट है जिससे ये कैशलेस बना सके इस राज्य को, और ये राज्य है असम, tokapoisa.in है असम का ई वॉलेट। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी जनवरी 2017 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट को रिलीज किया है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। इंटरनेशनल ये रिपोर्ट है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस रिपोर्ट का नाम है 2017 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, यानी कि 2017 में जो इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो किस तरह से देखी जा सकती हैं, उनका आउटलुक क्या है, ये रिपोर्ट रिलीज करी है वर्ल्ड बैंक ने जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अगला सवाल, जनवरी 2017 इसी रिपोर्ट के हिसाब से, जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिपोर्ट है इसके हिसाब से जो ग्लोबल इकोनॉमी है, द ग्लोबल इकोनॉमी विल एक्सेलरेट मॉडरेटली टू व्हाट परसेंट, ग्लोबल इकोनॉमी कितने परसेंट से एक्सेलरेट करेगी, ये जो दर दी है ये दी गई है 2.7%, 2.7%, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से
जो इंडिया की ग्रोथ है 2016-2017 में, यानी यही जो फाइनेंशियल ईयर है 2017 में खत्म होगा 31 मार्च को, इसमें वर्ल्ड बैंक ने पहले एस्टिमेट दिया था कि हमारा जो जीडीपी ग्रो है वो करेगा 7.6%, लेकिन जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक ने ये कम कर दिया है क्योंकि विमुद्रीकरण हुआ है। तो ये बताइए कि इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से कितना ग्रो करेगा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी? ये ग्रोथ होगी 7%, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के हिसाब से हमारी ग्रोथ होगी 7.1%, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से होगी 7%। ये अभी भी चाइना से ज़्यादा है क्योंकि चाइना की है 6.7%। इनमें से कौन सी एयरलाइन कंपनी है जिसने लॉन्च करी है एक स्कीम जिसका नाम है फ्लाई फॉर श्योर? फ्लाई फॉर श्योर स्कीम किसने लॉन्च की है? फ्लाई फॉर श्योर स्कीम ये है कि अगर आप इस एयरलाइन की उस दिन कोई भी फ्लाइट बुक करते हो और आपसे गलती से फ्लाइट मिस हो जाती है तो आप सिर्फ 2000 रुपये दे के उस किसी और फ्लाइट में आप जा सकते हो। तो ये स्कीम लॉन्च की है एयर इंडिया ने, एयर इंडिया ने लॉन्च की फ्लाई फॉर श्योर स्कीम। एक बात और याद रखना है आपको इसमें, अगर ऑप्शन में एयर इंडिया ना मिले तो आंसर होगा स्पाइस जेट, क्योंकि इससे पहले ये 2016 में, मैं तो लेटेस्ट बात कर रहा हूं जनवरी के दूसरे हफ्ते में, लेकिन 2016 में स्पाइस जेट ने भी ये स्कीम लॉन्च की थी। 47वां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग होती है वो 17 से 20 जनवरी को कहां पर होगी, किस देश में होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग? और ये मीटिंग होगी स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर क्वेश्चन आए स्विट्जरलैंड में कहां, तो आंसर है डावोस क्लस्टर्स, डावोस क्लस्टर्स के अंदर ये मीटिंग होगी। पहला दुनिया का अंडर वाटर म्यूजियम, यानी पानी के जो अंदर बना हुआ है, पानी के नीचे पूरा जलमग्न जो म्यूजियम है, ये यूरोप के अंदर बना है और ये बना है स्पेन के अंदर। इसका उद्घाटन अभी अभी हुआ है। इस म्यूजियम का नाम क्या है? स्पेन के लंजारोट के अंदर ये है और इस म्यूजियम का नाम है द म्यूजियो अटलांटिको, यानी कि अटलांटिक म्यूजियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ये पानी के नीचे है। इनमें से पूर्व राष्ट्रपति जर्मनी के वो कौन है जिन्होंने जर्मनी में बहुत सारा समाज सुधार के कार्य किए, सोशल रिफॉर्म्स किए? उनका भी अभी निधन हो गया। तो जर्मनी के कौन से पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ? इनका नाम है रोमन हर्जोग, रोमन हर्जोग। तो ये वहां के राष्ट्रपति बने थे 1994 में। वो वेटरन ब्रिटिश वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी वो ब्रिटिश पत्रकार कौन से थे जिनका अभी अभी निधन हो गया? ये पहले पत्रकार थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर वन की टू की न्यूज सबसे पहले फैलाई थी, सबसे पहले ब्रेक की थी न्यूज। इनका नाम है क्लेयर हॉलिंगवर्थ, क्लेयर हॉलिंगवर्थ, और ये 105 साल के थे। और एक बात और, जब इन्होंने ये न्यूज बताई सबसे पहले कि वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुका है, तो उसको बोलते थे स्कूप ऑफ द सेंचुरी, यानी सेंचुरी की सबसे बड़ी न्यूज थी एक तरह से। तो उनके कैरियर में बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने घटनाएं कवर की थी, तो ये आपको याद रखना है। अभी फीफा काउंसिल का एक डिसीजन आया है, इस डिसीजन के हिसाब से 2016 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें कितनी टीमें खेलेंगी उसके अंदर। अभी जो टीमें खेलती हैं फुटबॉल में आजकल वर्ल्ड कप के अंदर, वो 32 खेलती हैं, और 2026 का लेकिन जो वर्ल्ड कप होगा उसमें टोटल 48 टीम्स खेलेंगी, एंड दिस इज वेरी बिग, 48 टीम्स। और एक बात और याद रखना है कि जो 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो होगा रशिया में, और 2022 का होगा कतार में। 2026 का कहां होगा अभी तक कंट्री डिसाइड नहीं हुई है। इनमें से कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है जिसने हमारी केंद्र सरकार के साथ मिलके जितने भी एनजीओज हैं, ध्यान से सुनिए सवाल को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि जितने भी एनजीओ हैं उन सबकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, उन सबकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, और 31 मार्च 2017 तक रिपोर्ट सबमिट करो। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ये सरकार कर रही है, लेकिन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी एजेंसी के साथ मिलकर ये कर रही है? ये सरकार की एजेंसी है और इसका नाम है कपार्ट, यानी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो कपार्ट और पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया, यानी पीएडीआई, ये दोनों मिलकर इसको करेंगी, और ये आपको याद रखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CAPART। अभी अभी कौन सा ऐसा देश है जिसने सक्सेसफुली 103 पर्डिक्स माइक्रो ड्रोन का समूह लॉन्च करा? 103 पर्डिक्स माइक्रो ड्रोन, ये दुनिया का सबसे बड़ा
माइक्रो ड्रोन था जो एक साथ टेस्ट किया गया, ये किया पेंटागन ने वर्जीनिया के अंदर। पेंटागन जो कि हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का, और पेंटागन है वर्जीनिया के अंदर, तो ये किया अमेरिका ने यानी यूएसए। तो जो माइक्रो ड्रोन का जो ग्रुप है उसमें माइक्रो ड्रोन ये टेस्ट कहां पर किए गए, सवाल ये है, टेस्ट किए गए कैलिफोर्निया में, लेकिन जो पेंटागन का हेडक्वार्टर है वो है वर्जीनिया में, तो आंसर है कैलिफोर्निया। ये ड्रोन लॉन्च किए गए F/A-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट जो कि है कैलिफोर्निया में। कौन सा भारतीय खिलाड़ी है जिसने तीसरा कोलकाता ओपन नेशनल इन्विटेशन स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया, 16 बार वर्ल्ड चैंपियन ये रह चुके हैं, और इनका नाम है पंकज अडवाणी, कर्नाटक के हैं पंकज अडवाणी, 16 बार वर्ल्ड चैंपियन, 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन इन स्नूकर। इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का पहला देश बना जिसने पार्कूर को एक खेल माना है, पार्कूर को रिकॉग्नाइज करने वाला ऑफिशियली एज अ स्पोर्ट कौन सा कंट्री है? पार्कूर का एक नाम और है, इसको बोलते हैं फ्री रनिंग, और इसको मिलिट्री ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग की तरह का ये खेल है जिसमें एक पार्टिसिपेंट होता है और उसे अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी होती है, और वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जाता है और उसके पास कोई प्रोटेक्शन गियर भी नहीं होता। तो पार्कूर को खेल मानने वाला पहला देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। कौन सा इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो अपना उसने संन्यास ले लिया था टेनिस से लेकिन अब वापस आ रहा है, अपना यानी कि जो टेनिस से जो संन्यास है एक तरह से वो उसमें वापसी हो रही है टेनिस की, 26 अप्रैल को पोर्श टेनिस ग्रां प्री जो स्टुटगार्ट जर्मनी में होगी, इसमें कौन सा टेनिस खिलाड़ी वापस आ रहा है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है, एक्चुअली इन्होंने खुद से संन्यास नहीं लिया था, इन पे प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि इन्होंने जो प्रतिबंधित दवाएं थी वो ली थी, डोपिंग की थी, ड्रग्स लिए थे। इनका नाम है मारिया शारापोवा, और मारिया शारापोवा का जो 15 महीनों का जो प्रतिबंध था वो अब पूरा हो गया है, तो मारिया शारापोवा टेनिस में अपनी वापसी कर रही हैं। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल बैंक है जिसने एक वॉइस वेरिफिकेशन लॉन्च किया है अपने फोन बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए, जो अभी जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है उसमें पिन होता है, जो पिन आपको याद करना होता है, लेकिन अब पिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी जो आवाज है उससे वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, तो आप फोन बैंकिंग कर सकेंगे। ये किया है सिटी बैंक ने, सिटी बैंक। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के हिसाब से दिसंबर महीने में भारत में सबसे फास्ट 4G सर्विस प्रोवाइडर कौन सा था, कौन सा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर था जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा रही 2016 दिसंबर के अंदर? फास्टेस्ट 4G सर्विस प्रोवाइडर था रिलायंस जियो, और रिलायंस जियो ने अभी अभी स्पॉन्सर किया था फिल्म फेयर अवार्ड्स को भी, ये भी आपको याद रखना है, जहां पे दंगल फिल्म के अभिनेता आमिर खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। इनमें से कौन से इंडियन फिल्म मेकर है जिन्हें 47वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होगी डावोस स्विट्जरलैंड में, वहां पे कल्चरल लीडर की हैसियत से बुलाया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने का सम्मान ये मिला है करण जोहर को। अब आज के लिए आपका पहला सवाल, करण जोहर के जीवन पे एक किताब लॉन्च हुई है अभी, जिसमें करण जोहर ने यह भी माना है कि वो एक समलैंगिक है, और इस किताब में बहुत सारे उनके जीवन के ऐसे अनछुए पल उन्होंने बताए हैं, अपनी बातें बताई हैं, सीक्रेट्स बताए हैं। तो करण जोहर की जीवन पे जो किताब अभी अभी लॉन्च हुई है, इस किताब का नाम क्या है और उसे किसने लिखा है, यह है आपका पहला सवाल। एक रशिया के राजदूत थे जिनको टर्की में मार दिया था आईसिस के आतंकवादी ने, और आपको यह बताना है उनके नाम पे एक गली, एक स्ट्रीट रखी गई है टर्की के अंदर उनको सम्मानित करने के लिए, तो उनका नाम क्या है? वो रशिया के एम्बेसडर कौन थे जिनको मार दिया था एक आतंकवादी ने पेंटिंग एग्जीबिशन के अंदर? इनका नाम है एंड्री कारलोव, और इनको अंकारा के अंदर मार दिया था जो टर्की की राजधानी है। टर्की में बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे इस्तांबुल, अंकारा एटसेट्रा, तो आंसर है एंड्री कारलोव। इनमें से कौन सा देश है जिसको भारत 683 करोड़ रुपए का लोन दे रहा है जिससे ये अपने एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन कर सके, यानी एग्रीकल्चर की जो तकनीक है उसे इंप्रूव कर सके? तो भारत 683 करोड़ रुपए का लोन देगा कीनिया को, कीनिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें आपको एक बात और याद रखनी है कि जो केनिया के प्रेसिडेंट हैं वो अभी भारत आए थे 1981 के बाद, यानी कितने साल हो गए, लगभग 35 साल के बाद, 36 साल के बाद कोई केनिया का राष्ट्रपति भारत आया था,
तो केन्या के राष्ट्रपति आपसे पूछ सकते हैं कौन है एग्जाम में, इनका नाम है उहुरु केन्याटा। तो नाम याद रखना आसान है, केन्या के आगे आटा लगा दीजिए तो बन गया केन्याटा, और पहला नाम है उहुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया INX कहां पर यह इनॉग्रेट किया है, कौन से राज्य में इनॉग्रेट किया है? यह इनॉग्रेट किया गया IFSC में, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि है गिफ्ट के अंदर, गिफ्ट सिटी गुजरात में। आप जानते हैं गांधीनगर गुजरात, इसको बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, यानी गिफ्ट सिटी। तो आंसर है गुजरात। इनमें से प्रवासी भारतीय सम्मान ये किसे मिला? प्रवासी भारतीय सम्मान 2017 ये इस बार दिया गया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को। इनमें से भारत लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड की रैंकिंग में कौन से नंबर पे आता है? ये रैंकिंग अभी अभी निकली है और भारत की इसमें जो रैंकिंग है वो है 6th। भारत दुनिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं उनमें भारत का स्थान अब हो गया है 6th, और पहले कितना था? पहले था 9th। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। दो रियल एस्टेट कंपनियां कौन सी हैं जो अब मिलके एक हो जाएंगी? रियल एस्टेट कंपनियां ये दोनों मर्ज कर रही हैं आपस में और एक हो जाएंगी, तो इनका नाम है housing.com और proptiger.com। इनमें से कौन सी पेस्टिसाइड है जो कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है केरला गवर्नमेंट को कि इस पेस्टिसाइड की वजह से 5000 विक्टिम थे 3 महीने में, जिनमें सीरियस डिफॉर्मिटीज यानी शरीर की अपंगता डेवलप हो गई है, इसीलिए 500 करोड़ रुपया कंपनसेट करना पड़ेगा इन 5000 रोगियों को और उनके परिवारों को। तो ये जो कीटनाशक है इसके इतने ज़्यादा दुष्प्रभाव थे हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर, तो केरल की सरकार को कहा है ये कौन सी पेस्टिसाइड है? इसका नाम है एंडोसल्फान, एंडोसल्फान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी अभी 3 जज इनका एक बेंच था जिन्होंने रूलिंग दी है कि जो टैक्स ब्रेक होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को जो दिए जाते हैं वो लीगल है, इलीगल नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को जो उनके फॉलोवर हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनसे डोनेशन चाहिए होते हैं, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी टैक्स छूट दी जाती हैं वो कंप्लीटली लीगल हैं। तो ये जो रूलिंग दी है, 3 जज थे जिन्होंने मिलकर रूलिंग दी है, तो इस बेंच के हेड कौन थे? ये थे हमारे चीफ जस्टिस JS Keher, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS Keher। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एविएशन मिनिस्ट्री के साथ, जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसके साथ, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के लिए? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम मतलब इस राज्य में जगह जगह एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, बेटर एयर कनेक्टिविटी होगी, और इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने साइन किया है तेलंगाना के साथ। अभी अभी कौन से राज्य की बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जिन्हें पहली बार उर्दू इलेक्टोरल रोल्स प्रोवाइड किए जाएंगे? पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच स्टेट विल हैव उर्दू इलेक्टोरल रोल्स? इतना ही नहीं, 46 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं जहां पे उर्दू इलेक्टोरल रोल्स दिए जाएंगे, और ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहां पे चुनाव होने वाले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 30% मुस्लिम वोटर हैं। इनमें से जो एंडेंजर्ड स्पीशी है गिबन, गिबन की जो एंडेंजर्ड प्रजाति है जो लुप्त होने के कगार पे है, उसकी नई प्रजातियां देखी गई अभी अभी कौन से देश के अंदर? और ये जो गिबन है, मैं इसका नाम भी आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं स्काई वॉकर हुलॉक गिबन। और ये क्वेश्चन है साइंस और टेक्नोलॉजी से, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है जनरली स्टूडेंट नहीं करते, उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगते, लेकिन फिर जब एग्जाम में आते हैं तो नहीं कर पाते, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन पर खास ध्यान दिया है। स्काई वॉकर जो गिबन है, इनकी नई प्रजातियां देखी गई हैं चाइना में, और जनरली जो ये रहते हैं चाइना और म्यांमार के अंदर रहते हैं। वो कौन सा एयरपोर्ट है जो दुनिया में पहला एयरपोर्ट बना जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म आर्क को अपनाया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म आर्क को अपनाने वाला, ये एक परफॉर्मेंस और बेंचमार्किंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको अपनाने वाला एयरपोर्ट है पहला दुनिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है जिसने ऑन रोड एमिशन टेस्ट 2020 से मैंडेटरी कर दिए हैं? यानी 2020 से भारत स्टेज 6 नॉर्म्स जो हैं उनको मैंडेटरी कर दिया जाएगा 2020 से, और इसीलिए गवर्नमेंट जो ऑन रोड एमिशन टेस्ट है, यानी कि आपकी चलती गाड़ी से कितना धुआं निकलता है, इसके टेस्ट किए जाएंगे व्हीकल्स के लिए ऑन रोड,
तो ये मैंडेटरी हो जाएंगे क्योंकि भारत 6 नॉर्म्स 2020 से लागू हो जाएंगे। तो ये किया है ARAI ने, ARAI यानी ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI। इनमें से कौन सा पहला देश है जिसने अपना जो FM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है उसे बैन कर दिया है, उसे बंद कर दिया है, इसको डिजिटाइज कर दिया है? तो ये देश है नॉर्वे। अभी अभी डेफकॉम 2017 कहां पर हुआ? डेफकॉम, डेफकॉम की बहुत बड़ी फुल फॉर्म है, वैसे बहुत जरूरी नहीं है, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स फॉर डिजिटल आर्मी, यानी आर्मी के लिए है ये, आर्मी को डिजिटल बनाने के लिए जो मानव जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उसके लिए है ये। तो ये आपको याद रखना है बस इतना। अकेडमी, अकेडमिया एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D आर्म्ड फोर्सेज इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया नई दिल्ली के अंदर। सो आंसर है न्यू दिल्ली। इनमें से वो कौन सा देश है जिसने अपने जो कानून है उनमें संशोधन किया है जिससे ये स्पेयर स्पोर्ट प्रदान कर सके इंडिया को, इंडिया को स्पेयर सपोर्ट प्रदान कर सके? इसका मतलब ये है कि ये अपना जो OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इससे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट इंडियन कंपनीज के साथ कर सकेंगे जिससे भारत में तकनीक का अपग्रेडेशन हो सके, और ये किया है रशिया ने, रशिया ने स्पेयर्स एंड सपोर्ट। इनमें से किस व्यक्ति को स्नैपडील कंपनी का स्ट्रेटेजी हेड अपॉइंट किया गया है? स्नैपडील का स्ट्रेटेजी हेड, स्नैपडील भारत में तीसरी सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के बाद, जिसपे लगभग 2,75,000 सेलर हैं और 3 करोड़ प्रोडक्ट हैं स्नैपडील के ऊपर। इनका नाम है जेसन कोठारी। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि स्नैपडील कंपनी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो स्नैपडील कंपनी के 2 फाउंडर हैं, एक तो हैं कुणाल बहल, तो ये नाम याद रखिए आप, जैसे फ्लिपकार्ट के हैं सचिन और बिन्नी बंसल, स्नैपडील के हैं कुणाल बहल और साथ में रोहित बंसल। कुणाल बहल और रोहित बंसल हैं स्नैपडील के फाउंडर। इनमें से कौन सी एयरलाइन है जिसने हमारे एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार जो वुमेन है उनके लिए सीट रिजर्व कर दी है? कौन सी एयरलाइन ने महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर दी है? ये पहली बार हुआ है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर, और ये किया है एयर इंडिया ने, एयर इंडिया। निकारगुआ के वो कौन से राष्ट्रपति हैं जो तीसरी बार लगातार वहां के राष्ट्रपति बने हैं? निकारगुआ के राष्ट्रपति, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है निकारगुआ, इनका नाम है डेनियल ऑर्टेगा, तीसरी बार लगातार ये बने वहां के राष्ट्रपति, और इनको वोट भी बहुत ज्यादा मिले, इस बार लगभग 72% वोट मिले, और वहां की पार्लियामेंट में 92 सीट है उनमें से 71 इनकी पार्टी ने जीती। वो पूर्व बैट्समैन कौन से हैं जिन्हें वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है? पूर्व बैट्समैन जिन्हें वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने अपना डायरेक्टर बनाया है, नियुक्त किया है, इनका नाम है जिमी एडम्स। जिमी एडम्स महान वेस्ट इंडीज के बैट्समैन थे। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जो दुनिया का पहला जेंडर लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित कर रहा है? दुनिया का पहला ये आयोजित कर रहा है वो अप्रैल 2017 के अंदर, और ये होगा बिहार के अंदर पटना में, पटना, पटना में। अभी जो गुरु गोविंद सिंह जी है उनका 350वां जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया था, प्रकाश पर्व। इनमें से सऊदी अरेबिया ने अपना जो कोटा है हज कोटा भारत का वो इंक्रीज कर दिया है, पहले 1.36 लाख यानी 1,36,000 मुसलमान भारत से हज जा सकते थे, हज की यात्रा कर सकते थे, लेकिन अब कितने कर पाएंगे तो ये नंबर बढ़ा दिया है, यानी जो भारत का, भारत से अब कितने मुसलमान हज की यात्रा, पवित्र हज की यात्रा पर जा सकेंगे, और ये पिछले 29 साल में सबसे बड़ा एक्सपेंशन इन्होंने किया है नंबर के अंदर, तो 1.36 लाख की बजाय अब जा पाएंगे 1.70 लाख पीपल इंडिया से। ये है भारत का हज कोटा। इनमें से कौन सा भारत का शहर है जिसके हाई कोर्ट ने ट्रिपल तलाक सर्टिफिकेट को जो इशू किया था यहां के मुख्य काजी ने, उसको कहा कि उसके पास कोई लीगल अथॉरिटी यानी कोई कानूनी ताकत नहीं है उसको इशू करने वाली, और इसको सिर्फ एक ओपिनियन की तरह ही देखा जाना चाहिए, उसके निजी राय की तरह देखा जाना चाहिए, इसका कोई कानूनी सिग्निफिकेंस नहीं है जो ट्रिपल तलाक का सर्टिफिकेट होता है। तो ये कौन से राज्य के हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया है? ये डिक्लेयर किया मद्रास के हाईकोर्ट ने।
हमारा जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसने अभी अभी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स विद स्पेशल रेस्पेक्ट टू विच एनिमल स्पीशी, यानी ये कहा कि जो जानवरों के खिलाफ जो क्रुएल्टी होती है उसको खत्म किया जाए, अत्याचार को बंद किया जाए, लेकिन इसमें एक खास सम्मान दिया जाना चाहिए इस जानवर को। तो ये जानवर कौन सा है, और ये जो सर्कुलर इशू हुआ है उसके अंदर ये जानवर है डॉग यानी कुत्ता। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसने ये अनाउंस किया है कि जो वहां की सरकार है उसका एक नया डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाने वाला ये पहला राज्य है, और ये मिनिस्ट्री 14 जनवरी से काम करना स्टार्ट इसने कर दिया है। तो ये अनाउंस किया इस राज्य ने, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बनाया मध्य प्रदेश ने। इनमें से चारों में से वो कौन व्यक्ति नहीं है उन चारों में जिन्हें इंडियन अमेरिकन हैं, ये भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक, चार अमरीकी नागरिक हैं जिन्हें प्रेजिडेंशियल अर्ली कैरियर अवार्ड दिए गए, जिसको बोलते हैं प्रेजिडेंशियल अर्ली कैरियर अवार्ड फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है पैकास या पैकेस। तो चार इंडियन अमेरिकन को मिला है, इनमें से वो कौन नहीं है, तो देखते हैं। ऑप्शन आराधना त्रिपति, पंकज लाल, कौशिक चौधरी, इन तीनों को मिला है, रजत गुप्ता को नहीं मिला है। तो जो नाम मिसिंग है यहाँ पे वो है मनीष अरोड़ा, मनीष अरोड़ा। आराधना त्रिपति, पंकज लाल, कौशिक चौधरी और मनीष अरोड़ा है वो चार इंडियन अमेरिकन। उस पंडुपी का क्या नाम है जो अभी अभी लॉन्च की गई मजागांव डॉक लिमिटेड मुंबई के अंदर, सबमरीन यानी पंडुपी, और इसका नाम है INS खंदेरी, INS खंदेरी। ये भारत की दूसरी स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन है जो लॉन्च की गई है, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन INS खंदेरी। इसमें से BMW गाड़ी, BMW इंडिया का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, कौन होंगे BMW के इंडिया के लिए प्रेसिडेंट, इनका नाम है विक्रम पावा, विक्रम पावा। इनमें से कौन सा भारत का वो हॉकी प्लेयर है जिसे नॉमिनेट किया गया है FIH एथलीट्स कमेटी के अंदर, जो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है, फेडरेशन एथलीट्स कमेटी, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को बोलते हैं, इसका एक विदेशी भाषा में दूसरा नाम है। उनकी जो एथलीट्स कमेटी है उसके अंदर जो भारत के खिलाड़ी हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है, इनका नाम है PR श्रीजेश, जो कि भारत की हॉकी टीम के कप्तान हैं। उस डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी का क्या नाम है जिसने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर लॉन्च किया है सचिन सागा वार्म अप, ये एक गेम है क्रिकेट का जो सचिन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है। तो उस डिजिटल कंपनी का क्या नाम है जिसने सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर ये गेम लॉन्च किया है, इस कंपनी का नाम है जेट सिंथेसिस, और ये गेम का नाम भी याद रखिए सचिन सागा वार्म अप। इनमें से भारत का कौन सा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसे एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल गई है, फॉरेस्ट और ट्राइबल क्लियरेंस भी मिल गई है, और अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है कैन बेतवा ILR प्रोजेक्ट, कैन बेतवा ILR प्रोजेक्ट, जो कैबिनेट ने क्लियरेंस क्लियर किया था जुलाई 2014 में, और इसमें लगभग 8650 हेक्टेयर जमीन है, जंगल हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे पन्ना नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश में, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। दो कौन से वो स्टेट हैं जो कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, कौन से दो राज्यों में कैन बेतवा लिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, ये उनको उनमें काम करेगा, तो ये प्रोजेक्ट काम करेगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इनमें से कौन सा वो अधिकार है जो नीति आयोग ने कहा है कि उसके जो प्रोविजंस हैं उन पर एक रिव्यू होना चाहिए, ये राइट कौन सा है, तो ये राइट है राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है भारत के जितने भी बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का इसमें प्रोविजन है, तो नीति आयोग के हिसाब से इस पर अब रिव्यू जरूरी है। इनमें से कौन सा देश है जो 2015 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए हैं या कोई भी पैदा हुआ है 2015 के बाद उनको सिगरेट नहीं बेची जाएगी, ये कानून लाना चाहता है, ये प्लान चल रहा है रशिया के अंदर कि 2015 के बाद अगर किसी ने भी जन्म लिया है तो वो सिगरेट उसको अलाउ नहीं की जाएगी। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसके साथ जापान ने 1 ट्रिलियन येन की सहायता उसको दी है, जापान ने
1 ट्रिलियन येन की सहायता जापान ने किस देश को दी है? ये देश इस अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर खर्च करेगा अगले 5 साल के अंदर। तो जापान ने यह सहायता दी है फिलीपींस को। फिलीपींस की चाइना के प्रति जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। फिलीपींस के जो हेड ऑफ स्टेट हैं रोड्रिगो दुतर्ते, वो चाइना के बहुत नज़दीक हो गए हैं, इसलिए जापान को भी कुछ ऐसा करना था कि फिलीपींस के नज़दीक जाए। तो जापान 1 ट्रिलियन येन की सहायता देगा फिलीपींस को। बैरक ओबामा ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये वहां का अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये किसे दिया है? प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम बैरक ओबामा ने दिया है वहां के उपराष्ट्रपति जो बाइडन को, जो बाइडन। और अमेरिका के जो नए उपराष्ट्रपति बनेंगे वो बनेंगे माइक पेंस। डोनाल्ड ट्रंप होंगे राष्ट्रपति और माइक पेंस होंगे उपराष्ट्रपति। इनमें से आंध्र प्रदेश का वो कौन सा टापू है, कौन सा आइलैंड है जहां पर ऑलिव रिडली टर्टल के कारकेसेस मिले हैं? ऑलिव रिडली टर्टल के कैरकेसेस कौन से आइलैंड पे मिले हैं? कैरकेसेस होता है अवशेष, तो ये मिले हैं 54 कैरकेसेस मिले हैं होप आइलैंड के ऊपर। सो आंसर है होप आइलैंड। इनमें से टीसीएस कंपनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? टीसीएस कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। अब आप पूछेंगे टीसीएस कंपनी ने अपना सीईओ क्यों चेंज किया है? क्योंकि जो टीसीएस कंपनी के जो पूर्व सीईओ थे वो अब टाटा सन्स के सीईओ बन गए हैं। तो अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, टीसीएस कंपनी के वो सीईओ कौन थे जो अब टाटा सन्स यानी पूरे टाटा के नए चेयरमैन बने हैं? ये है आज का दूसरा सवाल। इनमें से कौन सी भारत की एनर्जी कंपनी है जिसने राजस्थान का छाबड़ा पावर प्लांट खरीद लिया है? राजस्थान का छाबड़ा पावर प्लांट 1000 मेगावाट की क्षमता वाला, ये टेक ओवर कर लिया है भारत की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC ने। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल बैंक है जिसने भारत के अंदर वॉइस बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया है? वॉइस बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया है सिटी बैंक ने। इनमें से पहले नॉन पारसी और तीसरे नॉन टाटा अपॉइंटेड टाटा सन्स के चेयरमैन कौन बने हैं? यानी इनके भी नाम के पीछे टाटा नहीं लगता लेकिन ये तीसरे नॉन टाटा अपॉइंटेड चेयरमैन है, तो इनका नाम है एन चंद्रशेखरन। तो मैंने आपसे जो दूसरा सवाल पूछा था वो उसका जवाब आपको यही मिल गया, एन चंद्रशेखरन थे टीसीएस के सीईओ और अब ये बन गए हैं टाटा सन्स के चेयरमैन। और इससे पहले भी ऐसे हुए हैं जो नॉन टाटा चेयरमैन है, जैसे नवरोजी सकलात वाला है और साइरस मिस्त्री हैं, तो ये भी नॉन टाटा चेयरमैन रह चुके हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ रेट भारत की कितनी होगी, ये मेजर की इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP ने नवंबर 2016 और अक्टूबर 2016 में थी 1.9%। नवंबर 2016 में हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ कितनी थी? तो ये ग्रोथ जो मेजर की गई ये थी 5.7%। उन भारतीय बॉक्सर का क्या नाम है जो अपनी पहली प्रोफेशनल बॉक्सिंग लड़ाई लड़ेंगी? महिला है ये, तो अपनी फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल बॉक्सिंग की लड़ाई लड़ेंगी। इनका नाम है सरिता देवी जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो फीमेल में भी जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है वो लोकप्रिय हो रहा है और भारत के एक ही प्रोफेशनल बॉक्सर हैं इस वक्त, वो हैं विजेंद्र सिंह, तो ये आपको याद रखना है। और इनकी लड़ाई होगी हंगरी की सोफिया बैडो से, सोफिया बैडो से। इनमें से कौन सा देश है जिसने अनाउंस किया है कि वो G8 ग्रुप से परमानेंटली बाहर चला जाएगा, ऐसी उसने इच्छा जताई है? तो 2014 में इस देश को बाहर निकाल दिया था क्योंकि क्राइमिया में क्राइसिस हो रहा था। ये देश है रशिया, तो इसलिए G7 की फिर मीटिंग हुई थी 2014 के अंदर। तो अब रशिया हो सकता है G8 से तुरंत परमानेंट बाहर चला जाए। अमेरिका के वो फेमस ऑथर और फिल्म मेकर कौन से हैं जिन्हें ऑस्कर भी मिला था बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए, और इनकी किताब का नाम था दी एग्जॉर्सिस्ट, जो भूतों की फिल्म थी, स्केरी फिल्म थी दी एग्जॉर्सिस्ट। इनका नाम है विलियम ब्लैटी। तो इनका भी अभी निधन हो गया। अगला सवाल, हमारे कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिन्होंने 29वीं मीटिंग जो स्कोबा की हुई यानी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द वॉलंटरी एजेंसीज, इस मीटिंग की अध्यक्षता की, इसको चेयर किया, इसके चेयरमैन थे? तो स्कोबा की अध्यक्षता की डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कौन सा मंत्रालय इनके अधीन आता है? इनमें से कौन सा देश है जिसे 1 साल का प्रतिबंध इस देश पर लगा दिया गया है? जितने भी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन
कंपटीशन होते हैं वेटलिफ्टिंग, क्योंकि इस देश के 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो प्रतिबंधित दवाएं ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए थे। ये देश है चाइना। चाइना को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन कर दिया है क्योंकि इसके 3 खिलाड़ी ड्रग्स के पॉजिटिव पाए गए। भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, उसकी दर कितनी होगी 2017 के अंदर? 2017 के अंदर कितनी होगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में? और ये डेटा है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2017 का। ये रेट होगी 3.4%, 3.4%। और इस रिपोर्ट को रिलीज किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा भारत का स्टेट है जो पहला स्टेट बना जहां पे सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव लॉन्च की गई? ये बोट, ये नाव सौर ऊर्जा से चलेंगी, ये लॉन्च की केरल ने, और इन बोट का नाम रखा गया है आदित्य। आदित्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन से टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जो भारत में पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बना जिसने पेमेंट बैंक लॉन्च किया है? भारत का पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन सा है जिसने भारत में लॉन्च किया है और ये पूरे नेशन वाइड लॉन्च किया गया? 7.25% इंटरेस्ट दे रहा है ये सेविंग अकाउंट के ऊपर, जो हाईएस्ट सेविंग रेट है। तो ये पेमेंट बैंक इन्होंने लॉन्च किया था अपना पहला राजस्थान में, और लेटेस्ट इन्होंने लॉन्च किया कर्नाटक में। इसका नाम है एयरटेल। इनमें से कौन से बैंक के साथ मिलके एयरटेल ने कोलैबोरेशन किया है जिससे ये अपना पहला पेमेंट बैंक लॉन्च कर रहा है पूरे 29 स्टेट्स के अंदर? जबकि पहला मैंने जैसे बताया राजस्थान में लॉन्च किया था 2016 नवंबर में। तो ये बैंक कौन सा है? ये बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये आपको याद रखना है, एयरटेल और कोटक महिंद्रा बैंक इन्होंने मिलके पेमेंट बैंक लॉन्च किया है। इनमें से कौन सा कंट्री है जिसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिफेंस एग्रीमेंट एक साइन किया है इसके साथ, जिससे ये दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकेंगे? ये एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया ने किया है जापान के साथ। इनमें से कितने एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट द्विपक्षी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं हमारे कर विभाग सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो जापानी कंपनी है उनकी इंडियन सब्सिडियरीज के साथ? तो ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है टोटल 3। उस गाइडेड रॉकेट का क्या नाम है जो 14 जनवरी को लॉन्च किया गया, ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया हमारी डिफेंस टेस्ट फैसिलिटीज के द्वारा? इसका नाम है पिनाका, पिनाका मार्क द्वितीय, और इसको डेवलप किया है पुणे की कंपनी आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने। तो और भी कंपनियां हैं जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL, सबने मिलकर लॉन्च किया है पिनाका मार्क द्वितीय। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे पिनाका मार्क 2 को टेस्ट फायर किया गया था? तो यह किया गया था उड़ीसा के तट से। मैंने जैसे आपको बताया था उड़ीसा में जो चांदीपुर स्टेशन है वो बहुत पॉपुलर है जहां से लॉन्च किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग्स में भारत की क्या रैंक है? जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उनमें भारत की रैंक आई है 129। ये 2005 से भारत की सबसे अच्छी रैंकिंग है पिछले 11 सालों में 129। इनमें से कौन सा अकेला ऐसा दुनिया का कंट्री है जिसकी कोई कैपिटल राजधानी नहीं है? और ये एक छोटा सा टापू है, दुनिया का तीसरे सबसे छोटा टापू है, सिर्फ 21 किलोमीटर में ये देश है और 10,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इसका नाम है नाउरू। नाउरू ये अभी न्यूज में था इसलिए सवाल आ सकता है। मैक्सिको ने अमरीका के लिए अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है? मैक्सिको का नया राजदूत कौन होगा अमरीका के लिए? इनका नाम है जेरोनिमो गुटेरेस। गवर्नमेंट की वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या शाखा है जिसने 2 हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए हैं जिसमें आप अपनी कंप्लेन, अपनी आइडेंटिटी बताए बिना दर्ज करा सकते हो? अपनी कंप्लेन आप दर्ज कर सकते हो बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। ये किया है BSF ने, और ये इसलिए किया है क्योंकि BSF के एक जवान ने एक वीडियो बना दिया था और उसको पब्लिक कर दिया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो अब BSF ने कहा है कि आपको अपनी पहचान बताने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप हमसे बता सकते हो। इसके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर उन्होंने लॉन्च किए हैं, और जो BSF के डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है KK शर्मा। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसने एक शब्द है जिसको बोलते हैं रेनबो? तो रेनबो को इस राज्य की भाषा में बोलते हैं रामधेनु। तो रामधेनु से पलट के इसको पलट दिया है रोंग धेनु, क्योंकि इनके हिसाब से ये ज़्यादा सेकुलर होगा, क्योंकि रामधेनु का मतलब होता है राम का तीर और रोंग धेनु का मतलब होता है कलरफुल रेनबो। तो रामधेनु से रोंग धेनु किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने।
इनमें से कौन सा देश है जिनको अपना पहला नया एयरक्राफ्ट मिला है 40 सालों के अंदर, क्योंकि इस देश पर इंटरनेशनल प्रतिबंध थे 2015 में जो उठा लिए गए थे। तो 40 साल बाद इस देश को अपना एयरक्राफ्ट मिला है, ये देश है ईरान। ईरान इनमें से कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे ऊंचा ऑल्टीट्यूड ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप लगा रहा है, ये और ये बिल्कुल भारत के साथ जो इसका बॉर्डर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पर लगा रहा है, ये देश है चाइना। टेलीस्कोप होता है जो बहुत दूर की चीजें देखने के काम आता है। अब अगला सवाल यह है कि चाइना इसको कहां लगा रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे चाइना कहां लगाएगा भारत की पे नजर रखने के लिए, तो आंसर है तिब्बत। तिब्बत की राजधानी है ल्हासा। इनमें से कौन सा देश है जिसने गूगल और एप्पल को यह कहा है कि वो लिंक्डइन को अपने एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप स्टोर से हटा दे, लिंक्डइन पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया रशिया ने, रशिया। उस बायोग्राफी का क्या नाम है जो पूर्व रेसलर और कोच महावीर सिंह फोगट की जिंदगी पर आधारित है, तो ये जो बायोग्राफी है ये पब्लिश हुई चंडीगढ़ में और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सौरभ दुग्गल ने रिलीज की, इसका नाम है अखाड़ा और इस पे फिल्म बनी थी इनकी जिंदगी पे जिसका नाम था दंगल, तो अखाड़ा है इनकी जीवनी। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने ऑप्ट किया है इसके लिए, क्योंकि ये पहले इंडिया ने स्टार्ट की थी, इंडिया ने अडॉप्ट की थी और उसके बाद अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने भी इस दवाई को अडॉप्ट कर लिया है, ये दवाई है आईपीवी जो पोलियो के लिए है। इनमें से कौन से देश की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है जिसने भारत के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आपसी सहयोग के लिए साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में कौन से देश की कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भारत के साथ सहयोग करेगी, ये देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस। और आखिरी सवाल आज का, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट की बॉडी है जिसने केंद्र सरकार को यह कहा है कि वो चेक करे कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं यानी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कहीं माइक्रो बीड्स तो नहीं है, तो ये चेक करने के लिए कहा है क्योंकि जो माइक्रो बीड्स हैं वो हानिकारक हो सकते हैं, तो ये कहा है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यानी NGC ने। तो ये थे इस हफ्ते के बेस्ट करंट अफेयर। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से हटा दिए थे, टोटल लगभग 160 के आसपास क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, खैर ये भी काफ़ी हैं, पूरे एग्जॉस्टिव हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप सेकंड हफ्ते में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।